Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. हमारी बात चल रही थी यूजेटी पे, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. अच्छा, इसमें हमारे इस चैप्टर में हमारे दो टॉपिक और बचे हैं, ट्विन ऑफ एससीआर और दूसरा कम्यूटेशन ऑफ एससीआर. इन दो टॉपिक के बाद चैप्टर पूरा हो जाएगा वाला. तो जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद आपका टेस्ट होगा. सही, जो चैप्टर में दो टॉपिक बचे हुए हैं. सर, हेलो सर. सर अभी टेस्ट मत लीजिएगा सर, अभी नोट्स भी नहीं बना पाया सर. अभी तो सर क्लासेस हो जाती नहीं, चलिए तो टेस्ट का बात हो जाता, पर मैं नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इससे आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, थोड़ा बाद में ले लेंगे टेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस सर, मतलब आपका चैप्टर बन रहा टेस्ट होना, ये मैं आपको बता रहा हूं. जब भी पूरा हो जाएगा उसके बाद ले लीजिएगा सर. अभी नोट्स, यस सर, नोट्स कंप्लीट कर लें तो सर अब ले लीजिए. सही है सर, बाद में ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जी सर. अच्छा, तो स्टूडेंट्स ऐसे भेज रहे हैं इंग्लिश में नोट्स नहीं है, इंग्लिश में भी कुछ पढ़ रहे हैं क्या सर? जो मैंने नोट्स भेजे हैं वो हिंदी में भेजे हैं, जो बुक मैंने भेजी थी. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इंग्लिश में एग्जाम देने वाले हैं. फोर्थ सेमेस्टर में दो तीन बच्चे हैं. अच्छा, ये सर दो तीन बच्चे हैं क्लास में. अरे मैं इंग्लिश में जी इसका बुक भेज दूंगा मैं. ओके, ये यूजीटी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हमने पढ़ा था. थी? अब ऑसिलेटर माइन की है, कुछ एक्सटर्नल यहाँ पे रेजिस्टेंस कैपेसिटर यूज करते हैं.
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सी आर वन तो हमने एक्सटर्नल सप्लाई से जोड़ दिया। सही ना, यहाँ पे सप्लाई दे दी हमने वीबीबी बेस टू बेस वोल्टेज। देखिए स्टार्टिंग में अब क्या हो रहा, सबसे पहले जब हमने यहाँ पे सप्लाई देना स्टार्ट करी, यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे स्विच डालो, अभी स्टार्टिंग में जब सर्किट ओपन है कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, तो जब हम इसे क्लोज करते हैं तो यहाँ से सप्लाई पास होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी है, कैपेसिटर में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो वोल्टेज होती है वो जीरो होती है, ऐसे ही होता है ना, धीरे धीरे कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। कैपेसिटर एक वोल्टेज स्टोरिंग डिवाइस है, स्टार्टिंग में जो इसकी वोल्टेज होती है वो जीरो होती है, धीरे धीरे जो इसकी वोल्टेज होती है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, सही है। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा, आर और सी, जो आर और सी है ना, इसके थ्रू हमारा जो कैपेसिटर है वो पहले चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। जब कैपेसिटर की वोल्टेज मतलब कैपेसिटर की वोल्टेज मतलब इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होती है, इस पॉइंट पर वोल्टेज इस पॉइंट से ज्यादा हो जाती है, मतलब डायोड से एनोड पे जो वोल्टेज होती है वो कैथोड से जब ज्यादा हो जाती है उस समय यूजीटी ऑन हो जाता है। इतना क्लियर है, स्टार्टिंग में जो हमारा यूजीटी होता है वो ऑफ होता है, सही। जब हमारा कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जब कैपेसिटर की वोल्टेज डायोड से कैथोड से ज्यादा हो जाती है उस समय डायोड ऑन हो जाता है, मतलब यूजीटी ऑन हो जाता है, पूरा जो यूजीटी सर्किट है ये ऑन हो जाता है, सही है। कितना क्लियर है, टाइम के साथ साथ यहाँ पे ये टाइम तो हमने एक्सपेंड किया, यहाँ पे तीन ये एमिटर वोल्टेज वीई, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है दिस इज वीई, तो ये वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो जब पीक पॉइंट पर पहुंच जाती है समय जो यूजीटी होता है वो ऑन हो जाता है।
देखिए जब यूजेटी ऑन होता है तो उस समय दो चीजें यहाँ पे हो रही है यूजेटी में। पहली चीज तो ये जो आरबी टू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, ये हमने पढ़ा है। आरबी टू डिक्रीज होना स्टार्ट होता है जिससे एमिटर वोल्टेज डिक्रीज होती है, सही है। एक चीज ये हो रही। दूसरा जो कैपेसिटर होता है वो डायोड के थ्रू यहाँ पे डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। पहले तो यहाँ पे ओपन सर्किट होता है, जब यूजेटी ऑफ होता है तो उस समय जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है। जब ये ऑन हो जाता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है आरबी टू और आर1 के थ्रू, सही ना। आरबी टू और आर1 के थ्रू डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है जिससे जो कैपेसिटर वोल्टेज होती है वो डिक्रीज होती है। अब यहाँ पे जब पीक पॉइंट पहुंच जाता है, जब यूजेटी ऑन हो जाता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। सही ना, जिससे रेपेसिटी वोल्टेज जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, सही है। जो VE होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। जब VE की वोल्टेज इस कैथोड वोल्टेज से कम हो जाती है तो यूजेटी वापस से ऑफ हो जाता है। यूजेटी जब ऑफ हो जाता है तो कैपेसिटर फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। इस पॉइंट पे कैपेसिटर फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है, सही है। ये चार्ज एंड डिस्चार्ज है इसमें कंटिन्यूसली चलती रहती है। सर ये डिस्चार्ज कब होता है? जब यूजेटी ऑन हो जाता है। देखिए जब आपका ये डायोड है, जब अभी ये ओपन सर्किट है तो इस डायरेक्शन में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही ना, इस डायरेक्शन में। जब आपका डायोड ऑन नहीं हुआ है, जब एनोड वोल्टेज कैथोड वोल्टेज से कम है तो डायोड ऑन नहीं हो रहा, इस डायरेक्शन में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, सही ना। जब ये ऑन हो जाता है, मतलब यूजेटी जब ऑन हो जाता है तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, सही है। तो कैपेसिटर सी में जो स्टोर वोल्टेज होती है वो डायोड से होते हुए आरबी टू और आर1 के मीडियम से डिस्चार्ज हो जाती है, जिससे ये वोल्टेज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये मतलब कैपेसिटर जो है हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। जब ये वोल्टेज इस वोल्टेज से कम हो जाती है तो ये डायोड वापस से ऑफ हो जाता है, मतलब यूजेटी वापस से ऑफ हो जाता है। जब यूजेटी ऑफ हो जाता है तो फिर से चार्जिंग स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सैडल कंटिन्यूसली चलता रहता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑसिलेटर। इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है ना। तो इसी का अबे और यहाँ पे थी सर ये। हेलो सर। पूछिए सर। ये कह रहे हैं सर ये यूजेटी का यूज करके ऑसिलेटर का सर्किट है ये सर। यूजेटी सर इसमें सर, बट सर इसमें जो कैपेसिटर है सर वो तो सर एसी पे मतलब कि वर्क करता है, इसमें डीसी सप्लाई दी हुई है। कैपेसिटर जो होता है देखिए एसी उससे पास हो जाती है, सही है, और डीसी वोल्टेज वहाँ पे स्टोर डीसी तो वोल्टेज से वो ब्लॉक चलता है, डीसी वोल्टेज तो आगे पास नहीं होने देता है। मतलब डीसी वोल्टेज से कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज होता है। अगर मैं यहाँ पे एसी सप्लाई दूँ तो एसी सप्लाई जो होती है वो कैपेसिटर से नीचे पास हो जाएगी, यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज स्टोर नहीं होती एसी वोल्टेज जब हम देते हैं। जबकि डीसी सप्लाई जब हम कैपेसिटर पे देते हैं तो वो यहाँ उससे वो चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाती है। डीसी वोल्टेज आगे पास नहीं होती है, वो उससे कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। हाँ सर इंडक्टर में इसके अपोजिट होता है। इंडक्टर में इससे अपोजिट होता है। सर मैंने सुना था सर कैपेसिटर जो है डीसी पे वर्क ही नहीं करता है सर। डीसी में इसलिए वर्क नहीं करता है सर। यस सर ओपन में वर्क नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? डीसी तो ब्लॉक करता है, वो डीसी तो आगे पास नहीं जाने देता है। आप जब उसे डीसी सप्लाई देते हो तो डीसी उससे पास नहीं होती है, डीसी उस पर स्टोर होती है। एक कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज स्टोरिंग डिवाइस है, दो प्लेट्स होती है इसमें भी, इसे आप एज अ बैटरी आप देख सकते हो। इसे वोल्टेज यहाँ पे स्टोर होती है, दो बैटरी दो प्लेट होती है। जब आप उसे डीसी सप्लाई देते हो तो इसकी जो पॉजिटिव साइड पे जो वोल्टेज होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब चार्ज जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं वहाँ पे, सही है। आप इसको एक बार फिर से पास डीसी जो होती है कैपेसिटर में पास हो जाती है और डीसी तो ये स्टोर करता है।
सही प्रैक्टिस पे फिर से समझा दीजिए जरा, फिर से पूछिए सर। वो कैरेक्टरिस्टिक बनाई है सर आपने, सर इसको फिर से समझा दीजिए सर। देखिए वर्किंग जो थी स्टार्टिंग में, ये सर्किट जो है वो आपका ओपन है बिल्कुल स्टार्टिंग में, कैपेसिटर था एट वोल्टेज जीरो है, मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे चार्ज स्टोर नहीं है। तो यहाँ पे जो वोल्ट देखिए, जब आप इसे क्लोज करते हो है ना, तो ये दोनों सर्किट पैरेलल में, आपका ये डायोड तो ओपन हो रहा, तो ये सर्किट आर सी सर्किट और ये वाला जो सर्किट है आर टू आर बी वन आर बी टू आर वन, ये दोनों पैरेलल में है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे भी वोल्ट करंट पास हो रही और यहाँ पे भी करंट पास हो रही है ना। तो जब यहाँ पे करंट पास हो रही तो यहाँ पे तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा इस पॉइंट पे है ना। जब यहाँ से जब हमने वोल्टेज सप्लाई अप्लाई की यहाँ पे, करंट यहाँ से भी पास हो रही है और यहाँ से भी पास हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज हो रहा। देखिए जब ये डायोड में हमें पता है जब पॉजिटिव साइड पे वोल्टेज नेगेटिव साइड से ज्यादा होती है उस समय डायोड ऑन होता है, अदरवाइज ये ऑफ रहता है। तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर वोल्टेज जीरो हो रही, मतलब वी जीरो हो रहा, इसके बाद क्या हो रहा है कैपेसिटर जो होता है धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो वी जो होता है वो इंक्रीज होता है, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है जिससे वी वोल्टेज होती है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे ना। जिस समय वी सर डीसी पे ऑपरेट होता है, बीजेटी यूजेटी सर डीसी पे ऑपरेट होता है, यूजेटी और हम बीसी डीसी सप्लाई देते हैं। डीसी सप्लाई हम इसलिए दे रहे हैं, तो देखिए यूजेटी का जो मेन यूज होता है ना वो होता है थायरिस्टर, मतलब एससीआर से ट्रायल एससीआर से रेट पे हम पल्स देने के लिए यूज होता है, सही है। तो पल्स जो दी जाती है वो या तो पॉजिटिव दी जाती है या फिर नेगेटिव दी जाती है, वहाँ पे एसी पल्स नहीं दी जाती उससे ऑन रहने के लिए, इसलिए हम से डीसी पे ऑपरेट करते हैं जिससे हमें इससे हमें आर में यूज करना है ना। देखिए जो हम आउटपुट लेते हैं इसी, वो आउटपुट यहाँ पे लेते हैं आर वन जेड रॉस, ये आपकी आउटपुट है नोट। देखिए जिस समय डायोड ऑफ हो रहा उस समय चल रहा है यहाँ पे चार्जिंग चल रही है यहाँ पे, जो है वो चार्ज हो रहा है उस समय आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं मिलती है। जिस समय यूजेटी हमारा ऑन होता है उस समय जो जब ये कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, जब ये डिस्चार्ज हो रहा है आर टू के थ्रू सॉरी आर बी टू आर वन के थ्रू, तो उस समय हमें आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाती है। ये जो डिस्चार्ज वाली पल्स है ये हमें आउटपुट पे मिलती है इससे, और ये पल्स ही दी जाती है उससे डेट पर एससीआर रेट पर ये पल्स दी जाती है जिससे हमारा एससीआर ऑन हो जाता है, सही है।
ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे हो रहा है ये आपको समझ में आया? सर जब कैपेसिटर चार्ज होगा तब सर जो सर यूजीटी है तभी ऑन होगा सर। जिस समय देखिए जब कैपेसिटर की वोल्टेज है ना यहाँ पे ये वोल्टेज ना वी ये कैथोड वोल्टेज से जब ज्यादा हो रही स्टार्टिंग में जो वोल्टेज हो रही वो जीरो हो रही चार्ज होते होते जब वो कैथोड वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगी मतलब पीक पॉइंट पहुंच जाएगी ये वीपी है ना वीपी पीक पॉइंट है जब पीक पॉइंट पहुंच जाती है उस समय यूजीटी हो जाता ऑन तो यहाँ से सप्लाई पास होना स्टार्ट हो जाती है। जब सप्लाई पास होना स्टार्ट हो जाती है तो वो R1 से RB2 और R1 से वो पास होती है जिससे हमें R1 पे आउटपुट वोल्टेज मिलती है सही है। इस तरह से वो डिस्चार्ज हो रहा है ना उसकी वोल्टेज जो होती है वो डिक्रीज हो रही है इसलिए R1 पे जो आउटपुट मिलती है वो भी डिक्रीमेंट फॉर्म में हमें मिलती है सही है। जब वो एक बहुत कम वैल्यू पे जब ये जो पॉइंट है ये VB जब डिस्चार्ज होते होते ये वीबी पे पहुंच जाती है तो यूजीटी वापस से ऑफ हो जाता है। जब यूजीटी ऑफ हो जाता है तो कैपेसिटर दोबारा से चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है सही। चार्ज जब दोबारा से चार्ज होना स्टार्ट होता है तो आउटपुट फिर से धीरे धीरे बढ़ती रहती है और इसका जो टाइम पीरियड है ये टोटल टाइम आप देख रहे हो ना जितने टाइम में ये चार्ज हो रहा है जो टोटल टाइम है ये डिपेंड करता है आर और सी की वैल्यू पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यू। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके हम टी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये सपोज ये टाइम है टी ये चार्ज होने में टी सेकेंड का समय लेता है टी सेकेंड या टी मिली सेकेंड तो टी डिपेंड करता है टी इक्वल टू होता है आर इंटू सी। टी वन और ये चार्जिंग टाइम तो हमने डिनोट किया टी वन से और डिस्चार्जिंग टाइम हमने ले लिया टी टू जितने टाइम में वो डिस्चार्ज हो रहा है। और T2 डिपेंड होता है R1 पे और C पे। R1 की वैल्यू देखिए जब चार्जिंग हो रही है चार्जिंग इस रेजिस्टेंस से शुरू हो रही ना चार्जिंग इस रेजिस्टेंस से शुरू हो रही है और जब ये डिस्चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज इस रेजिस्टेंस से शुरू हो रहा है तो चार्जिंग टाइम डिपेंड करता है R और C पे और डिस्चार्जिंग टाइम डिपेंड करता है R1 पे और C पे। इसकी वैल्यू हम एडजस्ट करते ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, R1 और C ये तीनों एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं इनकी वैल्यू हम चेंज करके T1 और T2 की वैल्यू हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ पूछना है अभी तक जो भी हमने पढ़ा? सर सर जो आपने नीचे वाली करैक्टरिस्टिक बनाई है वो सर समझ में नहीं आई। देखिए आपका जो कैपेसिटर है वो इस रेजिस्टेंस से चार्ज हो रहा है पहले तो स्टार्टिंग में जब ये डायोड ऑन है मतलब जब ये डायोड ऑफ है यूजीटी जब आपका ऑफ है इससे टू ऑफ चल रहा है जब ये यूजीटी ऑन हो जा रहा है तो कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर है वो इस डायोड के मीडियम से यहाँ पे आर1 में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है सही। जब आपका यूजीटी ऑन हो जाता है जिस समय सही है तो जिस समय आपका यूजीटी ऑन हो रहा है उसके बाद जो करंट फ्लो हो रही है वो आपके आउटपुट में मिलना आपको स्टार्ट हो जाती है सही। तो यही मैंने रिजल्ट किया है जो आउटपुट जो जब हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है जिस समय पे उस समय पे जो करंट फ्लो हो रही है वो R1 के मीडियम से फ्लो हो रही है तो ये आउटपुट तो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे VO है ये
VO, स्टार्टिंग में तो हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, उस समय UJT ऑफ है, जब UJT ऑन हो जाता है उसके बाद हमारी सप्लाई यहाँ से पास होना स्टार्ट होती है, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ पे मिल रही है वो उससे UJT से ऑन होने के बाद आपको मिलेंगी। इस पॉइंट पे आपका UJT VP जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे UJT आपका ऑन हो जा रहा है, सही है, और जो VV पॉइंट है इस पॉइंट पे UJT वापस से ऑफ हो जा रहा है। तो जब जितने टाइम में UJT ऑन है उतने टाइम में ही आपको आउटपुट पे सप्लाई पास होती है, सही है, और जो आउट देखिए जो आपने डिस्चार्जिंग आपकी जैसी वेव्स हैं वैसे ही आपको वेव आउटपुट मिलेंगी यहाँ पे, सही है। वीवी क्या है सर? वैली वोल्टेज। इस पॉइंट पे आपका UJT जो है वापस से ऑफ हो जा रहा है, जो आपकी जो VE वोल्टेज है ये इतना डिक्रीज हो जाती है, जो एमिटर वोल्टेज है ना वो इतना डिक्रीज हो जाती है जिस पॉइंट पे आपका UJT वापस से ऑफ हो जा रहा है, तो ये आपकी वैली वोल्टेज है। इस पॉइंट पे आपका UJT जो वापस से ऑफ हो जा रहा है, जब UJT ऑफ हो जा रहा है तो आपका कैपेसिटर फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है और जो साइकिल है वो फिर से रिपीट हो जाता है, सही है। इसमें दो ऑपरेशन हुए, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। पहले चार्जिंग होती है जब चार्ज वोल्टेज, चार्ज कैपेसिटर वोल्टेज एक पीक पॉइंट पे पहुंच जाती है VP पर, तो UJT ऑन हो जाता है। जब UJT ऑन हो जाता है तो कैपेसिटर R1 के मीडियम से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो जाहिर सी बात है उससे जो वोल्टेज डिक्रीज हो रही, तो जो एमिटर वोल्टेज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। जब वो इतनी डिक्रीज हो जाती है वैली पॉइंट पे पहुंच जाती है तो वहां पर UJT वापस से ऑफ हो जाता है। जब UJT ऑफ हो जाता है तो कैपेसिटर दोबारा से चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है और आउटपुट पे हमें तभी आउटपुट मिलती है जब आपका UJT जिस समय ऑन होता है। तो जो आउटपुट तब ऑन होता है जब हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो आउटपुट पे जो हमें वोल्टेज मिलती है वो डिस्चार्जिंग वोल्टेज मिलती है। आउटपुट पे जो आपको वोल्टेज मिल रही है वो डिस्चार्जिंग वोल्टेज मिल रही है जिस समय आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, सही। मैं अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है सर? मतलब सर जब ये वी पीक पॉइंट पे सर पहुंचेगा तो सर कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और सर जो कैपेसिटर अपनी देखिए क्या कहते हैं कैपेसिटर इतना चार्ज हो जाता है वो ऑन हो जाए। कैपेसिटर इतना चार्ज हो जाता है कि UJT जो होता है वो ऑन हो जाता है। और सर जैसे ही सर वैली पॉइंट वैली सर कैसे वैली वोल्टेज वीवी क्या है सर इसको क्या कहते हैं वीवी वैली वोल्टेज। हाँ सर वैली वोल्टेज पे पहुंचेगा तो सर कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी देखिए आप देखिए यहाँ पे फिर से ये एमिटर वोल्टेज हमने ड्रॉ किए यहाँ पे एस वाई एस एस पे एमिटर वोल्टेज है ना, तो ये लाइन हमें दिखा रही है यहाँ पे एमिटर वोल्टेज इंक्रीज हो रही है। एमिटर वोल्टेज बढ़ रही है ना उसके बाद एमिटर वोल्टेज डिक्रीज हो रही है। तो जब एमिटर वोल्टेज इंक्रीज हो रही है पीक पॉइंट पे जो होता है UJT आपका ऑन हो जा रहा है, फिर आपकी एमिटर वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, तो वैली पॉइंट पे वापस से एमिट जो UJT होता है वापस से ऑफ हो जाता है, सही है। यस सर। इसमें सर पल्स जनरेट करने के लिए सर कैपेसिटर का यूज कर दिया, बाकी सर जो सर्किट है UJT का वो सेम है जैसे जब पहले जैसे बनाया था सर। हां देखिए यहां पे UJT जो है, देखिए UJT आपका इतना पार्ट है, ये डायोड RB1 RB2 ये आपका UJT है, बाकी RC R1 R2 ये आपने एक्सटर्नली यूज किए हैं। सर जो SCR होता है वो भी DC पे ऑपरेट कराते हैं? देखो SCR डिपेंड करता है, देखिए जो उसकी डेट पल्स होती है वो तो हम DC लेते हैं, ये आपका UJT पार्ट है, डेट पे तो हम DC लेते हैं, पर जो एनोड होता है ना एनोड कैथोड वो डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशन पे। अगर सपोज हम AC टू DC हमें कन्वर्ट करना है तो हम वहाँ पे AC सप्लाई देते हैं इनपुट पे, सही है। DC टू AC हमें करना है तो हम इनपुट पे DC देते हैं, ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। हम इन्वर्टर बना रहे हैं या चॉपर बना रहे हैं या साइलेंट इन्वर्टर बना रहे हैं तो उस हिसाब से हम इनपुट पे उस हिसाब से हमारा सर्किट हम अरेंज बनाते हैं, सर्किट भी चेंज हो जाता है उसी हिसाब से, और उसी हिसाब से फिर हमारी सप्लाई इनपुट सप्लाई भी चेंज हो जाती है। सर ये जो ऑसिलेटर से पल्स जनरेट कराते हैं सर, सर इसका यूज कहाँ पे होता है? ये देखिए आप तो जब पल्स हमें पता है, देखिए SCR और ट्रायथ में क्या होता है, जब आप रेट सप्लाई देते हो तो SCR ऑन हो जाता है ना, ऐसा ही होता है, रेट पे जब आप सप्लाई देते हो तो SCR ऑन हो जाता है। यस सर। जब उस पर सप्लाई हटा लेते हो तो भी वो ऑन ही रहता है, मतलब कंटिन्यूसली उस पर सप्लाई देने की जरूरत नहीं होती है, आप बस उसे एक पल्स दे देते हो और वो ऑन हो जाता है, ऐसा ही होता है ना।
तो इसका यूज हम एसटीआर पे पल्स जेनरेटली करते हैं। एसटीआर जब डेट पे पल्स जेनरेटली इसे हम जोड़ देते हैं एसटीआर रेट पर, जो आउटपुट जा रही ना ये हम सर्किट अभी बनाएंगे, ये जो सर्किट ये जा रहा है इसे हम डेट पर दे देते हैं। ये यहाँ से इनपुट जो कनेक्ट किया उसे डेट पर कनेक्ट हो जाती है, तो एप्सलेटर की आउटपुट जो होती है वो एज अ जेट काम करती है, एप्सलेटर एसटीआर या फिर ट्राई थे इनपुट जेट पर। इस वजह से आज हम सर्किट बनाएंगे सभी एप्सलेटर में, हम जोड़ेंगे यहाँ पे एसटीआर भी जोड़ेंगे ट्राई भी जोड़ेंगे, सही इसलिए जोड़ लेगा ना, इसलिए जोड़ रहे हैं सब। देखो एससीआर में क्या होता है, जब हम एनोड और कैथोड, ये हमने पढ़ा भी था, एनोड और कैथोड में जब हम वोल्टेज देते हैं जब वो वोल्टेज बेस ओवर वोल्टेज पर पहुंच जाती है तो उस समय एससीआर ऑन हो जाता है, सही है। अगर हम चाहते हैं जो हमारा एससीआर है वो बेस ओवर वोल्टेज से पहले ही ऑन हो जाए तो उससे रेट पर हमें पल्स देनी होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारी पल्स जनरेट हो रही है वो पल्स हम एससीआर के रेट पर दे देते हैं। दो सर्किट यहाँ पे हम अपने ज्वाइन कर रहे हैं, पहला हमारा ऑसिलेटर जो हमने यूजीटी से बनाया, दूसरा एससीआर। तो जब यूजीटी से जो हम ऑसिलेटर पर हमें जो पल्स मिल रही है वो पल्स हम एससीआर के रेट पर दे देते हैं, उसका यूज होता है हमारा जो एससीआर होता है वो बेस ओवर वोल्टेज से पहले ही ऑन हो जाता है, सही है। सर जो ट्राई एक होता है उसे केवल एसी पे ऑपरेट कर सकते हैं, ट्राई एसी पर नहीं, तो डिपेंड करता है आप चाहे डीसी भी दे सकते हो, ट्राई तो बायडायरेक्शनल स्विच है ना, एसी देखिए ट्राई पॉजिटिव साइड में भी ऑपरेट होता है नेगेटिव साइड में भी ऑपरेट होता है, सही है। अगर आप उसे एसी सप्लाई देते हो तो दोनों ही साइड पे वो ऑपरेट होगा, सपोज आप उसे डीसी सप्लाई देते हो तो डीसी पर भी वो ऑपरेट होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड में तो वो चल ही रहा है ना, इससे आप डीसी पे भी ऑपरेट कर सकते हो एसी पे भी ऑपरेट कर सकते हो ट्राई थ्रू, सही है। देखिए जो कैपेसिटर वोल्टेज होती है ये कैपेसिटर की चार्जिंग की इक्वेशन है, देखिए टी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, जो आपका टाइम टी जीरो है टी इज इक्वल टू जीरो, सही है। तो समय क्या हो रहा हमें पता है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म में मतलब जब ई जी पावर जीरो तो वैल्यू क्या होती है वन होती है ना, ई जी पावर जीरो की वैल्यू वन ही होती है ना एक्सपोनेंशियल, तो स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो है तो उस समय ई जी पावर जीरो हो जाएगी, मतलब ई जी पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो वी सी बराबर हमें मिलेगा जीरो, सही ना। तो देखिए टी बराबर जीरो पे जो वोल्टेज होती है कैपेसिटर वोल्टेज वो होती है जीरो, जब ले लेते हैं टी बराबर इन्फिनिटी, सपोज आपने यहाँ पे ले लिया
टी बराबर इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी जीरो, ई पावर माइनस इन्फिनिटी हो रहा है जीरो, ठीक है, तो वन माइनस जीरो वन, मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे जा रही है वीबीवी, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी जो वी कैपेसिटर होता है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से मैं बना रहा हूँ जी, यहाँ पे हमने बनाया है, यहाँ पे हमने ले लिया टाइम और ये वीसी, जी टी बराबर जब जीरो है।